बार की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। इस खबर के प्रायोजक है केएमसी हेल्थ सिटी एंड केएमसी कैंसर इंस्टीट्यूट, उत्तरी भारत का आधुनिकतम सुविधाओं से युक्त चिकित्सा संस्थान, बागपत रोड, मेरठ। कभी कभी लगता है कि हम करीब 20 साल बाद पैदा हुए होते। अगर ऐसा होता तो देश को मिल रही गति, चारों तरफ फैलता सड़कों का मजबूत जाल, आवागमन की इतनी बेहतर सुविधा का वह लुफ्त भी हम और ज्यादा उठा पाते जो मौजूदा पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियां उठाने जा रही हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उन शहरों की, उन कॉरिडोर की, जो देश के चार प्रमुख प्रदेशों यूपी, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान के विकास को पंख देने जा रहे हैं। बात हो रही है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम यानी NCRTC व रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS की। जल्द ही दिल्ली से मेरठ की दूरी 55 मिनट के बेहद आरामदायक व सुगम तरीके से तय कर ली जाएगी, देश की पहली रैपिड ट्रेन से। इसके साथ मेट्रो भी दौड़ेगी। जो अनुभूति एयरपोर्ट पर जाकर होती है वह इसके स्टेशनों पर जाकर होगी। मेरठ वासियों को यह सौगात देने का लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2025। लेकिन जिस गति से काम हो रहा है उसे देखकर दावा किया जा रहा है कि 2023 तक भी इसे पूर्ण किया जा सकता है। आज फर्स्ट बाइट ने मेरठ में हो रहे रैपिड व मेट्रो ट्रेन संबंधी विकास कार्य का जायजा लिया। यहाँ निरीक्षण को पहुंचे सांसद राजेंद्र अग्रवाल से हमारे एडिटर इन चीफ रवि शर्मा ने ढेर सारी जानकारी हासिल की। आप भी देखिए। एक सपना देखा था बहुत समय पहले, लगा था कि मेरठ यूपी और देश उस राह पर जाएगा जिस पर हम लोग कर सकते ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज पूरे शहर, पूरे जिले, पूरे राज्य, पूरे देश में ऐसा फैलेगा कि सामान, लोग इधर उधर बहुत तेजी से पहुंच सकें और सुगम यात्रा पॉसिबल हो सके। अब वो सपना एक लंबे अंतराल के बाद संभव होता नजर आ रहा है, धरातल पर नजर आ रहा है। एक बहुत बड़ी बड़ी मशीनें जो अभी आप इस कार्यों में देखेंगे, बड़ी बड़ी मशीनें इसमें कार्य कर रही हैं और इस कार्य को बहुत तेजी से अंजाम दे रही हैं। एक बात यह भी है कि मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल जो इस समय हमारे साथ भी हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान इस कार्य को तेजी प्रदान कर रहा है। मैं चाहूँगा स्वागत करूँगा राजनीतिक जी का और वो बताएं कि किस तरह से उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया और पब्लिक को, समाज को, मेरठ को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, यूपी को और देश को एक नई सौगात कब तक हैंड ओवर करने जा रहे हैं और कब तक लोगों को इसका इसमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त होगा। देखिए रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने इस विषय के ऊपर क्षेत्र की जनता को या प्रदेश की जनता को जानकारी देने के लिए ये आयोजन किया है। देखिए, मैं 2009 में संसद में पहुँचा तो उस वक्त सबसे बड़ी समस्या जो मुझको समझ में आती थी वो दिल्ली से मेरठ की कनेक्टिविटी थी। इतनी ख़राब थी ये कनेक्टिविटी कि कोई समय निश्चित नहीं था, 3 घंटे, 3.5 घंटे, 4 घंटे, यानी कितना समय लगेगा इसका कोई अंदाज़ा जो है होता नहीं था और निरंतर लोग इससे त्रस्त रहते थे और मेरठ का विकास रुक गया था। तो ये जरूर है कि मैंने अपनी टॉप प्रायोरिटी के ऊपर यहाँ की कनेक्टिविटी को लिया। आपको ध्यान होगा कि 1985 में नेशनल कैपिटल रीजन और उसके डेवलपमेंट के लिए बोर्ड बना था, परंतु तो कुछ मेरठ में हुआ नहीं। उसकी अपेक्षा यही थी, बनाने का उद्देश्य भी यही था, मैंडेट उसका यही था कि NCR के अंदर आने वाले जो क्षेत्र हैं, खास तौर से 100 किलोमीटर का जो दायरा है उसके अंदर जो पड़ने वाले महानगर हैं या नगर हैं उनकी कनेक्टिविटी दिल्ली के से बेहतर हो जाए जिससे कि उनको दिल्ली में रुकने की मजबूरी न हो, वो काम करने के लिए आए और द्रुत गति से अपने अपने क्षेत्रों को वापस चले जाएं, तो दिल्ली का लोड भी कम हो, इसलिए NCR का एक प्रोविजन किया गया था।
इस खबर में फिलहाल इतना ही। शहर, जिले व प्रदेश के विकास पर बनी रहेगी हमारी नजर। अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए firstbite.tv और हाँ, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना वे बेल आइकन दबाना भी न भूलें। नमस्कार।